वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पेटीएम मनी को आप बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी चार्ज के। अगर देखा जाए दोस्तों तो पेटीएम मनी को अगर आप बैंक में ले हुए तो 5% का चार्ज आपको देना पड़ता है। और पेटीएम ने दोस्तों अपने यूजर्स को पेटीएम मनी को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए जो ऑफर निकाले हैं कैशबैक पे, उसमें भी आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाली नहीं है। आप पेटीएम के अंदर कैशबैक पे क्लिक करोगे तो आपको जो ऑफ़र मिल जाएगा, इस ऑफर में दोस्तों बताया गया है अगर आप पेटीएम मनी को बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो आपको दोस्तों 2% का कैशबैक डेफिनेटली जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब आप पेटीएम मनी को बैंक में ट्रांसफर करोगे तो 5% का चार्ज तो आपको लगता है, और इस ऑफर को एक्टिवेट करने के बाद जब आप अपनी पेटीएम मनी को बैंक में ट्रांसफर करोगे तो 3% का चार्ज तो आपको डेफिनेटली लगता है। तो इस ऑफर से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं एक ट्रिक बता चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेटीएम मनी को बैंक में कैसे लें। अगर आपने अपने पेटीएम वॉलेट में कभी भी पैसे ऐड किए हैं तो ये वीडियो में मैंने जो ट्रिक बताई अगर आप फॉलो करते हो तो आप बिना किसी चार्ज के पेटीएम मनी को बैंक में ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड अगर आपने पैसे कभी भी ऐड नहीं किए और आपने अपने पेटीएम वॉलेट में जो पैसे रिसीव किए हैं वो मान लो आपने अर्निंग एप्लीकेशन से रिसीव किए हैं या कोई पेटीएम यूजर्स ने आपको पैसे सेंड किए हैं, अब वो पैसे आप कैसे लेंगे? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप पेटीएम मनी को बिना किसी चार्ज के फ्री में बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक के लिए दोस्तों आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एक और पेटीएम यूजर्स की। मान लो दोस्तों आपका कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव में कोई ना कोई तो होगा जो पेटीएम यूज़ करता है, बस आपको दोस्तों 2 मिनट उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे कि दोस्तों अपनी पूरी की पूरी पेटीएम मनी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी चार्ज के। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने पेटीएम में चले जाइए और पेटीएम में आप जितने पैसे ऐड करना चाहो उतने पैसे आप ऐड कर लो। और आपको पैसे ऐड करना है पेटीएम में वो आपको करना है पेटीएम पेमेंट बैंक से, क्योंकि दोस्तों पेटीएम बैंक से आप जितने पैसे करना चाहो तो वो दोस्तों अगर आप रिफंड टू बैंक करते हैं तो वो आपको दोस्तों तुरंत मिल जाता है पैसा, ठीक है। तो आपको पेटीएम बैंक में अगर आपके पैसे नहीं है तो आप एक काम कर लो, यूपीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे जितने डालना चाहो उतने डाल लो। इसके बाद दोस्तों अपने पेटीएम वॉलेट में आप जितने पैसे ऐड करना चाहो उतने पैसे आप ऐड कर लो। आप मान लो आपके पेटीएम वॉलेट में महीने में इतने पैसे रिसीव होते हैं तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको पैसे ऐड करना है। इसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि आपको एक और पेटीएम यूजर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आपको क्या करना है जितने भी पैसे आपने ऐड किए हैं पूरा का पूरा पैसा दोस्तों सेंड कर देना है अपने फ्रेंड को, ठीक है। अब आपके फ्रेंड को पूरा का पूरा आपका पेटीएम वॉलेट का जो भी पैसा है वो उसे रिसीव हो जाएगा उसके पेटीएम वॉलेट में। इसके बाद दोस्तों आपको उससे कहना है कि मैंने आपको पैसे सेंड कर दिए हैं, अब उसके मोबाइल से आपको पूरा पैसा अपने नंबर पर रिसीव करना है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम फिर से रिसीव करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा पेटीएम वॉलेट में ऐड हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है, क्योंकि अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं जिससे कि दोस्तों अब आपको पैसा वॉलेट में रिसीव नहीं होगा, वो आपको रिसीव होगा पेटीएम पेमेंट बैंक में। इसके अलावा अगर आप दूसरे बैंक में भी रिसीव करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको यहीं से बताऊंगा तरीका किस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहां तो हमारी प्रोसेस हो गई, अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसे सेंड कर देना है, उससे रिसीव नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूं, उस सेटिंग को पहले आप कर लो। आपको क्या करना है, पैसे जैसे आप सेंड कर दोगे उसके बाद दोस्तों आप अपने पेटीएम में एक्सेप्ट पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आपको सिंपल क्लिक करना है। एक्सेप्ट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक्सेप्ट पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक कर लोगे तो यहां पे आपको सेटलमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल यहां पे हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं अगर आप अपने नंबर से पैसा रिसीव करते हो पेटीएम में तो वो कहां पे रिसीव होगा, तो यहां पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक पेटीएम वॉलेट, दूसरा पेटीएम पेमेंट बैंक लगा होगा। अगर आप दोस्तों दूसरा बैंक एडजस्ट करना चाहते हो, मान लो आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा नहीं लेना है, आपको बैंक आ जाना है, और बैंक आने के बाद दोस्तों आपको बैंक अकाउंट रिसीव मनी का एक ऑप्शन मिलेगा, यहां पे अगर आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिंक है तो अच्छा है, आप पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसे ले सकते हो। अगर आप दूसरा बैंक में लेना चाहते हो तो यहीं पे आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए ऐड न्यू बैंक अकाउंट, तो यहां पे आप जो बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हो जिसमें आप पैसे रिसीव करना चाहते हो तो वो बैंक अकाउंट यहां से आप ऐड कर सकते हो। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक ही रहना चाहते हो
हो तो उसे रहने देना है। अब आपको दोस्तों जैसे ही सेटलमेंट सेटिंग में फिर से आप चले जाइए, यहाँ पे दोस्तों पेटीएम वॉलेट पे टिक है तो उसे हटा के दोस्तों जो बैंक आपका शो कर रहा है उस पर सिंपल आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, सिंपल बस आपको यही करना है। अब आपका दोस्तों जो भी यूजर्स है, आपको जो भी पैसा आपके नंबर से कोई सेंड करेगा पेटीएम नंबर से, तो पेटीएम वॉलेट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में जाएगा या जो बैंक आप ऐड करके लगाना चाहते हो तो उस बैंक में चला जाएगा। अब दोस्तों ये पैसा आपको तुरंत तो मिलेगा नहीं, आप सोचेंगे कि तुरंत मिल जाएगा, आपको ये पैसा दोस्तों दूसरे दिन मिलेगा सुबह 5 बजे। यानी कि दोस्तों आप एक दिन में जितने पेमेंट एक्सेप्ट करोगे अपने मोबाइल नंबर से वो आपके पेटीएम वॉलेट में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने बैंक ऐड रखा है। तो पेटीएम वॉलेट अगर आप ऐड करते हो तो तुरंत मिल जाता है पैसा, और पेटीएम पेमेंट बैंक अगर आपने ऐड करके रखा है तो पैसा आपको तुरंत नहीं मिलता है, पैसा आपको दूसरे दिन मिल जाएगा सुबह 5 बजे। अगर आप जल्दी लेना चाहते हो तो मैं आपको सिंपल एक और तरीका बता देता हूँ, आप अपने पेटीएम में फिर से चले जाइए। पेटीएम पे आने के बाद दोस्तों फिर से हम एक्सेप्ट पेमेंट पे जाएंगे, और एक्सेप्ट पेमेंट के बाद फिर से हम एक्सेप्ट पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे हमें ऑटोमेटिक बैंक सेटलमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला ऑप्शन है उस पर टिक रहेगा जिस पर लिखा है वंस ए डे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप आज के दिन जितना भी पैसा एक्सेप्ट करोगे अपने नंबर से तो वो आपके दोस्तों बैंक में जाएगा दूसरे दिन सुबह 5 बजे। इसके अलावा इसमें दूसरा ऑप्शन है ट्विंस ए डे, इसका मतलब दोस्तों ये है एक दिन में आपको दो बार पैसा रिसीव होगा, यानी कि आज आप जितना भी पैसा रिसीव करोगे तो वो शाम 4 बजे आपके बैंक में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर शाम 4 बजे के बाद जो भी पैसा आप ले रहे हो अपने QR कोड से या मोबाइल नंबर से तो वो बैंक में जाएगा, वो आपको दोस्तों दूसरे दिन सुबह 5 बजे रिसीव होगा। अगर आप और भी जल्दी लेना चाहते हो तो तीसरा ऑप्शन पे आप क्लिक करके रखिए जो है ट्रिंस एड है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको 3 टाइम में पैसा रिसीव हो जाएगा। और पहला टाइम मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 12 बजे दोपहर के 12 बजे से पहले अगर पैसा रिसीव करोगे तो आपको 12 बजे रिसीव हो जाएंगे, और 12 बजे के बाद अगर आप पैसा लोगे तो शाम 6 बजे रिसीव हो जाएंगे, और शाम 6 बजे के बाद अगर पैसा आप लेते हो तो सुबह 5 बजे आपको पैसा रिसीव मिलेगा। तो दोस्तों ये सेटिंग आप कर लीजिए जिससे कि आपको जल्दी पैसा मिल जाएगा, बस आपको यही करना है दोस्तों, जिस तरह दोस्तों आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको और बता देता हूँ, अब आपने पैसे ऐड किए हैं, अब वो सारा का सारा पैसा आपने सेंड कर दिया, उसे रिसीव करके बैंक में ले लिया, अब आपने जो भी पैसे ऐड किए हैं इसके बाद दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको जो ट्रिक बताई है अब उसी ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे ना तो अब आपको अपने फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी पैसे आपने ऐड किए हैं रिफंड टू बैंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप पेटीएम बैंक में ले सकते हो जब आपके पेटीएम वॉलेट में कहीं से पैसा रिसीव होगा। बस सिंपल आपको यही करना है दोस्तों, आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, अगर कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, और अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज आज वीडियो को लाइक कर देना, उस वीडियो को यार शेयर भी कर देना, और इसी तरह अगर आप चाहते हैं मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियो लेकर आऊं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, और तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।